Hello friends, as we all know that all and any are two different words and they have different uses and they have different meaning. But there is a situation where we can use all and any interchangeably. Let's understand with examples. A person says, I need such a book that explains English grammar using pictures. ये कहता है मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें ग्रामर को पिक्चर्स से समझाया गया हो. ओके अब बी क्या क्या जवाब दे सकता है? इन जवाब में से कौन से जवाब सही हैं या कौन से जवाब सही नहीं हो सकते हैं? ओके ऑल ऑफ दीज बुक्स हैव एक्सप्लेन्ड. वह कुछ पुस्तकें दिखाता है ए को और कहता है कि ये सभी पुस्तकें ग्रामर को पिक्चर से एक्सप्लेन की हैं. ऑल ऑफ दीज बुक्स हैव एक्सप्लेन्ड ओके ग्रामर यूजिंग पिक्चर्स. ये सेंटेंस सही है, ऐसा बोल सकता हो, इन्फॉर्मेशन दे रहा है बुक्स के बारे में. दूसरा सेंटेंस, एनी ऑफ दीज बुक्स हैव एक्सप्लेन्ड. क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं, यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि हम उस बुक के बारे में, सभी बुक के बारे में जानकारी दे रहे हैं और एनी यहाँ पर सही नहीं बैठता क्योंकि एनी का यूज़ तो जनरली वहाँ करते हैं इस केस में जब चुनाव की बात आती है, किसी एक को चुनने की बात आती है या उनमें से कुछ को चुनने की बात आती है, चॉइस की बात आती है. तो दूसरा सेंटेंस नेचुरल नहीं लग रहा. ओके तीसरा सेंटेंस, यू कैन बाय एनी ऑफ दीज बुक्स. ये सेंटेंस सही है, इनमें से कोई भी बुक आप खरीद सकते हो. ओके यह चुनने की ही बात है, बाय जब आप करोगे खरीदोगे तो एक को पिक ही करोगे आप या कुछ को. ओके यू कैन बाय ऑल ऑफ दीज बुक्स. यहाँ पर सेंटेंस जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही नहीं है क्योंकि उसे एक बुक चाहिए. ओके तो ये नहीं कह सकता कि यू कैन बाय ऑल दीज बुक्स. सेंटेंस सही है पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट द सेंटेंस सीम्स अननेचुरल. ओके देखिए जो सिचुएशन की हम बात कर रहे थे कि ऑल और एनी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, वो सिचुएशन है सबसे लास्ट सेंटेंस में. बी कहता है यू कैन फाइंड सच एक्सप्लेनेशन इन ऑल ऑफ दीज बुक्स या फिर यू कैन फाइंड सच एक्सप्लेनेशन इन एनी ऑफ दीज बुक्स. यहाँ पर ऑल और एनी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. आप इन सभी पुस्तकों में ऐसा एक्सप्लेनेशन पा सकते हैं या इनमें से किसी भी बुक में आप ऐसा एक्सप्लेनेशन पा सकते हैं. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पहला और दूसरा सेंटेंस है इनका जो मीनिंग है इसमें से किसी चॉइस की बात नहीं हो रही है कि उनमें से किसी एक को चूज़ किया जा रहा है, चुना जा रहा है. तब इस तरीके से एनी का यूज़ दूसरे सेंटेंस में गलत है जबकि पहले सेंटेंस में ऑल का यूज़ सही है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ जानकारी दी जा रही है बुक्स के बारे में कि सभी पुस्तकों में ऐसी खासियत है. लेकिन लास्ट में जो सेंटेंस लिखा है यू कैन फाइंड सच एक्सप्लेनेशन इन ऑल ऑफ दीज बुक्स और इन एनी ऑफ दीज बुक्स, इसमें चुनाव की बात हो रही है. जब आप फाइंड करोगे आपको मिलेगा, मतलब आप चूज़ करोगे या तो एक को या कुछ को या सभी को. आप सभी को भी उठा कर देख सकते हो कि उसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन है या इनमें से किसी भी एक को उठा कर आप देखो ऐसा एक्सप्लेनेशन है. तो यह पॉसिबल है कि आप सभी को उठा कर देख सकते हो, इसलिए ऑल का भी यूज़ सही है. और एनी, इनमें से एक या किस कुछ को उठा कर आप देखो, आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन यानी यूजिंग पिक्चर्स ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.